सॉल्युबिलिटी का जो मेन रूल होता है वो होता है लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब कि पोलर सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे वो केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे। ठीक है, अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के बीच में अनइक्वली शेयर होते हैं। कैसे? ऐसे जैसे हमारे पास HCl है या फिर H2O है। अभी H2O का स्ट्रक्चर है मेरे पास, तो H2O के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, इनको भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब आगे देखो, ये ऐसे ही आपको दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से इनके पास हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये क्या बन गया? ये एक डाइपोल बन गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पोलर चार्ज की वजह से, इस पोलर मूवमेंट की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, ऐसे ही अब हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के पास अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और क्लोराइड के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, क्योंकि इसमें 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। तो जो क्लोराइड होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये क्या करता है, ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जो सोडियम क्लोराइड होता है वो पोलर नेचर का होता है। तो जो हमने रूल पढ़ा था कि पोलर सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, तो फिर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये भी पोलर है, और वाटर ये भी पोलर है। तो जो सोडियम क्लोराइड है यानी नमक, वो पानी में सॉल्युबल होता है, या फिर सोडियम क्लोराइड HCl में भी सॉल्युबल होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता, जैसे कि CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर बेंजीन, या फिर फैट्स एंड ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स होते हैं, जैसे कि पेपरमेंट ऑयल रहा, कैस्टर ऑयल रहा, वो सब फैट्स एंड ऑयल्स में आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब हाइड्रोकार्बन्स की रेंज में आते हैं। ठीक, अब आप यहाँ देखोगे कि CCl4 में क्लोरीन होता है। क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, फिर ये नॉन पोलर कैसे है? ये नॉन पोलर इसलिए होता है क्योंकि देखो कार्बन के पास 4 क्लोरीन होते हैं, चारों तरफ क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। तो ये वाला क्लोरीन इधर से खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला इधर से खींचता है। तो क्या होता है, ये जो चार्जेस होते हैं, ये जो पोलर नेचर, ये जो पोलर बॉन्ड बनता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है इस, और ऐसे ही जो इधर वाला क्लोरीन होता है और इधर वाला क्लोरीन होता है वो कैंसिल आउट कर देता है। इसकी वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है इनमें। इसलिए CCl4 भी हमारा नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे वो डिसॉल्व करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट को, इसीलिए जो भी बेंजीन है वो CCl4 में सॉल्युबल होती है, या फिर कोई फैट एंड ऑयल है ये भी आप CCl4 में डिसॉल्व कर सकते हो।